ओके गाइस, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हमारे फेसबुक के अकाउंट के ऊपर। प्रोफेशनल मोड जो है वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा। कुछ फेसबुक ऐसे है, कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिसके ऊपर अभी तक भी हमें प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन शो नहीं किया जा रहा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से देख सकते हैं और कहां पर आप शो कर सकते हैं और कहां पर आपको ये ऑप्शन जो है वो मिलेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं जल्दी से स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों हमारे पास ये स्मार्टफोन मौजूद है, देख सकते हैं साइड पर आपको स्क्रीन भी देखने को मिलेगी। अच्छा, आप बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर कि सबसे पहले जब आप फेसबुक ओपन कर लेते हो, आप कुछ स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जहां पर आपको फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, काफी टाइम से यूज कर रहे होते हैं, तो वो ऑप्शन आपको शो नहीं किया जाता। लेकिन व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर आपको काफी ज्यादा अपडेट्स देखने को मिलती है और ये एक अपडेट ही है और जो कि काफी टाइम पहले आई थी, लेकिन कुछ लोगों के स्मार्टफोन के अंदर ये ऑप्शन अभी तक भी शो नहीं किया जा रहा। अच्छा, बात करते हैं कि हम किस तरह से इसको शो कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है, फेसबुक को सर्च करना है। फेसबुक को सर्च करने के बाद आपने फेसबुक को अपडेट कर लेना है। अब जिस तरह से दोस्तों मैं अब यहां पर अगर फेसबुक को मैं सर्च करता हूं, सर्च करने के बाद दोस्तों मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा अपडेट का, तो मैं इसको जल्दी से अपडेट कर लूंगा। अच्छा, अब आपको अपडेट करने के बाद क्या करना होगा, आपने अपने फेसबुक की तरफ चले जाना है, फेसबुक ओपन कर लेनी है। अगर आप फेसबुक लाइट के अंदर करोगे तो काफी बेहतर होगा, लेकिन अगर फेसबुक के अंदर भी करोगे तो आप फेसबुक के अंदर इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइट के अंदर यूज कर रहे हैं तो लाइट के अंदर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, तीन लाइंस हमें देखने को मिलेगी साइड पर, तो हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर अब हमें करना क्या होगा, हमें नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें सेटिंग वाला एक ऑप्शन है, प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, फेसबुक के अंदर चले जाने, अपडेट हो चुकी है हमारी, अब दोबारा से जो है वो ओपन होगी। अच्छा, अब अपडेट करने के बाद दोस्तों क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पर हम दोबारा से इसको ओपन कर लेते हैं। अपडेट की है तो अपडेट करने के बाद हमें जो है वो अब ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो वो सेटिंग्स आपको कैसे करनी है। अच्छा, अब हमें जो है वो फेसबुक को दोबारा से क्रॉस करना होगा क्योंकि अपडेट हमारी जो है वो हो चुकी है फेसबुक, तो ये देख लीजिएगा। अब दोबारा से हम इसको कर लेते हैं ओपन, तो हमारे पास ये फेसबुक ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब आपको दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों फेसबुक ओपन होने के बाद कुछ वेट भी हो सकता है क्योंकि हमने अपडेट वगैरह की होती है, उसकी वजह से भी जो है वो हमारे स्मार्टफोन के अंदर अपडेट हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो है वो देख सकते हैं, तो अपडेट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि जो भी फीचर्स वगैरह होते हैं वो सारे जो है वो हमारे फेसबुक के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अब दोबारा से हमें तीन लाइंस के ऊपर क्लिक कर देना है। तीन लाइंस के ऊपर क्लिक करने के बाद सो यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है सेटिंग का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर आप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें प्रोफाइल सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अब कुछ लोगों को यहाँ पर ये ऑप्शन शो नहीं किया जाता, लेकिन ये मेरे पास शो हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास ये शो नहीं भी हो रहा है तो आपको मैं दूसरा तरीका बता दूंगा जिसके अंदर आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, आप इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे ना यहाँ पर दोस्तों, अब आपको यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलता है और नीचे अगर आते हैं यहाँ पर हमें जो है वो काफी ज्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऊपर आऊं यहाँ पर आपको जो है वो एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्राइवेसी का, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको सारे वो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको पब्लिक कर देने हैं वो सारे ऑप्शंस। यहाँ पर आपको सिर्फ स्टोरी जो है वो फ्रेंड्स के ऊपर अगर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं तो आपने इसको जो है वो पब्लिक कर देना है। ये सारे ऑप्शंस जो देखने को मिले, योर एक्टिविटी का जो ऑप्शन है इसके नीचे आपको जो ऑप्शंस देखने को मिले ये सारे आपने पब्लिक कर देना है, क्योंकि आप जब इसको फॉलोअर्स के अंदर या आपको ये ऑप्शन जो है वो फॉलोअर्स के अंदर मतलब चेंज करना होता है, तो आप अगर इसको ऑन करोगे ना तो ये ऑप्शन आपको लाजमी जो है वो इनेबल करने होते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पर ऑन करने के बाद सारे कुछ ऑप्शन है। अच्छा, अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जब आप फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आ जाओगे यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन भी देखने को मिलता है और साइड पर आपको तीन डॉट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर अकाउंट देखने को मिल जाता है और साथ में दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे आप आगे आगे देखोगे फॉलो सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है और नीचे लास्ट पे आपको टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप शो कर सकते हैं। जब आप फेसबुक को अपडेट कर लोगे ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली दोस्तों आपके स्मार्टफोन के अंदर जो है वो आ जाएगा, तो आप इस तरीके से इनेबल कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।